बहरिया टाउन में और आज बहुत ही पहले भी एक दफा, और ये इसके पीछे बिल्कुल मलिक साहब का घर है। सफारी में आ गए और ये ट्रफलगर स्क्वायर, वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अहमद नईम ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अगर न्यू है चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस और अपडेट्स मिल सकें। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर के अंदर, और इनफैक्ट बहरिया टाउन में, और आज बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है लाहौर का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है थोड़ा सा इस अच्छे मौसम में, और ऑब्वियसली बहरिया टाउन बहुत ही खूबसूरत है लाहौर का भी, तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइव टूर करें और कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह भी पिएं, तो कुछ आपसे भी गपशप हो जाए और इस मौसम को कुछ अपनी मेमोरीज में सेव कर लेंगे। सो लेट्स गो ऑन ड्राइव टूर। तो अब दोस्तों यहाँ से हम अपना टूर को स्टार्ट करते हैं, ड्राइव टूर को, जो कि यहाँ से मैं टर्न लेता हूँ ताकि आपको पूरा एंट्रेंस से जो है ना दिखा सकूं। अच्छा, मौसम की खूबसूरती तो आपको नजर आ ही रही है। ये साथ में यहाँ पे कैनाल है, जो लाहौर कैनाल नहर जो है वो यहाँ राइट पर है, जिसके ऊपर ये मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो थोड़ा मलिक साहब ने इसको खूबसूरत कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ अगर देखें तो ये कितनी एक्यूरेसी से इलेक्ट्रिक पोल्स हैं सीध के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करें। राइट पे बहरिया टाउन ने थोड़ा सा इसको खूबसूरत कर दिया है, मतलब जो एरिया बहरिया के अंदर आता है उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा सा बाहर से ही मतलब बता दिया कि जी हम एक अच्छी जगह पर जा रहे हैं, एक अच्छा रेजिडेंस एरिया है। बहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट यहाँ पे जो शॉप्स वगैरह हैं, तो वैसे तो बहरिया में मेरे ख्याल से शायद जस्ट यू नेम अ ब्रांड जो अवेलेबल ना हो, ऑलमोस्ट हर ब्रांड या हर एक चीज है। वंस आप बहरिया में आ जाए तो फिर तो आपको मतलब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम मैंने अपना ऑयल चेंज यहाँ से कराया था, फिल्टर हाउस से। अच्छा, ये है जी बहरिया टाउन का मेन गेट, ये लिखा बहरिया टाउन लाहौर, शायद पहले भी एक दफा। और ये इसके पीछे बिल्कुल मलिक साहब का घर है, मलिक रियाज साहब का, सिक्योरिटी वगैरह बाहर है। अब हम एंटर हो रहे हैं बहरिया में। अच्छा, मतलब एक ब्यूटी गार्डनिंग, खैर लाहौर में हरियाली दरख्त और ये तो नेचुरल तकरीबन हर जगह है, लेकिन यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज ज्यादा है और इन्होंने थोड़ा अपना जो है प्लांटिंग सिस्टम और ये गार्डनिंग ज्यादा अच्छी की हुई है। तो ये लेफ्ट राइट पे जो है ये इनके जो है फार्म हाउसेस टाइप के रेजिडेंस है, वैसे ये बहरिया के फार्म हाउसेस में आते हैं ऑफिशियली। तो लोगों ने लेकिन ये प्लॉट लेके कुछ बड़े बड़े घर भी बनाए हुए फार्म हाउस टाइप के, और कुछ बना रहे लोग, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मतलब ये सबसे बड़ी शायद प्लॉटिंग है बहरिया की। तो थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को बहरिया टाउन लाहौर दिखा भी दें, शायद जिन्होंने पहले नहीं देखा या कुछ जिन्होंने कुछ अर्सा पहले देखा था तो कुछ उनको चेंजेस लगे या कुछ, तो एक नया ओवरव्यू हो जाएगा। पहले अलेक्जेंड्रा से शुरू करते हैं हम लोग, अलेक्जेंड्रा ब्लॉक। ये मोर चौक है जो सेंटर भी है, मेन एक सिग्नल है बहरिया का। अलेक्जेंड्रा राउंड अबाउट पे चलते हैं, फिर यहाँ से सफारी विलास का थोड़ा सा व्यू लेंगे और फिर आगे टूवर्ड्स तलवार चौक और फिर क्लॉक टावर एंड एफिल टावर। ये हमारा थोड़ा सा बस ये चीज हम कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। वैसे आज संडे का दिन भी है, छुट्टी का दिन है और मौसम अच्छा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार कुछ
कर लें, बैठे में बोर ही हो रहा था मैं। ये आ गया जी एलेक्जेंड्रा। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये मॉन्यूमेंट्स इसके बनाए हुए, बिल्कुल इजिप्ट टाइप के। बच्चे बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, आप ये देखें खूबसूरत गार्डनिंग वगैरह। बाकी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, मतलब ये एलेक्जेंड्रा ब्लॉक था। ये बहरिया हॉस्पिटल हमारे लेफ्ट पे से गुजर गया, बहरिया इंटरनेशनल। ये जी हम सफारी में आ गए और ये ट्रफलगर स्क्वायर, ऐसे देखें जी। ये सफारी पार्क है बहरिया टाउन का, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये जू है सामने। ये सफारी मॉल है, ये सफारी विलास की मस्जिद है, कुर्तुबा मस्जिद। और ये सफारी विलास के वन यूनिट बैंगलोर है, जो सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन का। अच्छा जी वंस अगेन ये जी मोर चौक आ गया जहाँ से हम पहले गुजरे थे, और ये मोर बना हुआ है। अच्छा ये अब हम आ गए हैं बहरिया टाउन का एक मेन राउंड अबाउट है, जो सबसे ज्यादा विजिट होता है यहाँ पे। ये तलवार चौक है हमारे सामने, और वो बहरिया का मॉल है जैस्मीन मॉल लेफ्ट पे।
अच्छा बहरिया में भी डिजिटल साइनेज हुई हुई है, ये बोर्ड्स लगे हुए डिजिटल। ये बहरिया का मेन बुलेवर्ड है जहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट राइट पे सारे ब्रांड्स हैं, शॉप्स हैं, मेन मेन सारी मतलब फूड ब्रांड्स भी कह लें, रियल स्टेट ब्रांड्स कह लें, बैंक्स कह लें, मतलब काफी कुछ है यहाँ पे। तो वंस आप बहरिया में आते हैं तो आपको सब चीजें यहीं अंदर मिल जाती हैं, चाहे आप कोई भी नाम लें, केएफसी लें, बट कढ़ाई लें, हर एक चीज यहाँ अवेलेबल है। अच्छा ये आइसक्रीम बड़ी अच्छी है वैसे, इसकी जो है ये स्पीड स्लो करने के लिए इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट्स वगैरह हुए पहले, शायद वीडियोस वगैरह में भी आएंगे। ग्रैंड मॉस्क बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन ग्रैंड मॉस्क और वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट मॉस्क है, इसको मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए आ गया जी क्लॉक टावर, और सेम ऐसा ये रेप्लिका है बेसिकली दुबई में क्लॉक टावर है डेरा के अंदर, जो लोग दुबई गए उन्होंने शायद देखा हो। मतलब हर तरफ बहरिया की खूबसूरती है, देखिए पाइनएप्पल बना दिया, कुछ ना कुछ आर्ट वर्क कर दिया, और मतलब काफी साफ सुथरा रखा हुआ है, लोगों ने मेंटेन किया है। इनफैक्ट आवाम भी बहुत ज्यादा गंदा तो नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब, लेकिन ये लोग सफाई सुथराई करते रहते हैं अपने एंड पे। इनके जो माली शाली है वो भी टाइट टीम है, मतलब इन्होंने जिस तरह से ये पॉट्स टाइप के बना दिए तो ऑब्वियसली एक खूबसूरती बढ़ती है चीज की, खूबसूरती से वैल्यू बढ़ती है। ये अब काफी कवर्ड हो गया एफिल टावर ने, बिल्डिंग्स बन गई हैं नई नई, सारी नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पहले ये बिल्कुल सामने फ्रंट पे नजर आता था, अब तो जी कुछ अलग ही हो गया। ये फ्रंट व्यू है जी एफिल टावर का, we
होपफुली आपको मेरा जो है ड्राइव टूर बहरिया टाउन लाहौर का पसंद आएगा, जो कि हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से और तकरीबन मेन सारी जगहें कवर कर ली हैं और ये इस वक्त हम लोगों ने एंड किया है यहाँ पे एफिल टावर बहरिया टाउन लाहौर, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो फर्दर जो है इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को आपने लाजम सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।